हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल MM टेक्नो हब। आज हम लोग आगे एक नया वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैचिंग प्लान का वेयरअप कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये बैचिंग प्लान का स्किप मोटर है, इसमें जो वेयरअप लगा है इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये जो दो लीवर दिया है इसको दबाने के बाद बीच में जो कपलिंग है इसको घुमाएंगे। इसको घुमाने से क्या होगा, ये जो है स्क्रू वाला जो फिटिंग है वेयरअप ऊपर का तरफ लेना है तो खोलने आसान रहेगा। उसके बाद स्क्रू निकल के उसके बाद नीचे एक लॉक रहता है, उसको निकालने के बाद वेयरअप को हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए अभी वेयरअप निकल गया इधर से। इसका ऑपोजिट में एलेंकी लगा है, उधर से भी ऑपोजिट साइड का वेयरअप निकल जाएगा। तो एक साइड का हम लोग वेयरअप पहले निकाल लिए। ये जो मोटर का लीवर है ये लीवर दबाने से ब्रेक फ्री हो जाता है। उसके बाद स्क्रू को खोलना पड़ेगा। अपोजिट साइड का भी सेम कंडीशन में खोलना है। नीचे टर्नबकल में वायर रोप फिक्स है तो उसको नीचे से ही घुमा घुमा के निकालना पड़ेगा। वायर रोप का एक साइड में थ्रेड सिस्टम दिया है जो टर्नबकल में लॉक होता है, तो उधर से देख रहे घुमा घुमा के इसको निकल खोलना पड़ेगा। अभी हमारा नया वेयरअप आ गया तो इसको हम लोग पहले नीचे कर देंगे। ये देख रहे हैं जो थ्रेड है ये टर्नबकल में नीचे फिक्स होता है, तो लेफ्ट साइड का वेयरअप लेफ्ट साइड में यूज करना है और राइट साइड का वेयरअप राइट साइड में यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वेयरअप को नीचे का तरफ ले लेते हैं। स्विंग स्टार्टर का जो बैचिंग प्लान का वेयरअप है उसको चेंज करने का नॉर्मल लाइव है 30,000 MQ। जैसे वेयरअप नीचे पहुंच जाएगा उसके बाद क्या काम करना है, नीचे जो हमारा टर्नबकल है उधर वेयरअप को पहले फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि टर्नबकल में फिक्स करने के टाइम में वेयरअप को घुमाना पड़ता है। घुमा घुमा के जब नीचे टर्नबकल में वेयरअप फिक्स हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट काम है जो मोटर का पुली है उधर वेयरअप को फिक्स करना है। तो बाहर का तरफ से वेयरअप अंदर का तरफ आएगा तभी जाके लॉक में बराबर फंसेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं वेयरअप को कैसे हम लोग फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद इधर जो दिया है वेयरअप का लॉकिंग वाला पोर्शन में उधर वेयरअप को डाल देंगे। वेयरअप डालने के टाइम में एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बाहर में जो वेयरअप निकला है पहले के वेयरअप का मेजरमेंट लेकर रखना पड़ेगा। उसके बाद 10 नंबर एलेंकी का हेल्प से इधर हम लोग फिक्स कर देंगे। देख रहे पहले हम लोग एक बेंडिंग वायर से मेजरमेंट लेकर रखे थे, वही हिसाब से हम लोग मेजरमेंट कर लिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो उधर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग 10 नंबर एलेंकी का हेल्प से उधर वेयरअप को हम लोग टाइट कर देंगे। टाइट आपको प्रॉपर टाइट करना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा भी लूज ना हो, क्योंकि जो स्कीप अप डाउन होता है आप होने के टाइम में उसमें एग्रीगेट बा सैंड लेके आप होता है तो उस टाइम लोड काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको बराबर टाइट करना जरूरी है। उसके बाद जब ये वायरअप आपको इधर फंस जाएगा और लॉक हो जाएगा उसके बाद वायरअप को लूज करके पुली का ग्रूव में अच्छे से वायरअप को बैठा देना है। तो अभी एक साइड का वायरअप फिक्स हो गया। दूसरे साइड का वायरअप फिक्स करने के लिए पहले इधर से वायरअप को हम लोग खोल लेंगे। ये 10 नंबर का एलेंकी लगता है तो 10 नंबर का एलेंकी से पहले एलेंकी को नीचे जो बोल्ट लगा है एलेंकी वाला बोल्ट उसको लूज कर देंगे। उसके बाद लॉक को निकाल देंगे। ये हमारा लॉक निकल गया, उसके बाद वायरअप खुल गया। तो अभी हम लोग नीचे आ गए, नीचे जो टर्नबकल है उसको पहले घुमा घुमा के इधर से निकालना पड़ेगा। उसमें नाट दिया, पहले नाट को लूज करना है, उसके बाद ऊपर से वायरअप घुमाएगा और नीचे भी घुमाएगा, उसके बाद टर्नबकल से निकल जाएगा। उसके बाद ये नाट को इसमें से खोल लेंगे।
ये नट इसलिए खोलना है क्योंकि नया जो एरो आता है उसमें ये वाला नट आता नहीं है, इसके लिए इसमें से निकल लेंगे। निकलने के बाद जो नया वाला वायर रोप है वो तो ऊपर से नीचे गिरा देगा। ये पुराना वायर रोप हम लोग खींच के बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद नया वाला ऊपर से नीचे गिरा दिए। ऊपर से आया जो थ्रेड सिस्टम है हम लोग टर्न बकल में फिक्स सिस्टम है उसमें हम लोग पहले नट को फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद ये जो टर्न बकल है उसमें ऐसे घुमा घुमा के लगा देंगे। आपको एरो को ऐसे ठीक राउंड राउंड घुमाना पड़ेगा, ऊपर से भी घुमाना पड़ेगा और नीचे से भी घुमाना पड़ेगा, नहीं तो एरो ट्विस्ट हो जाएगा। जब टर्न बकल बराबर फिक्स हो जाएगा उसके बाद नट को लॉक कर देंगे। अभी जो पहले का सिस्टम आपको बताए थे सेम उसी तरह इधर वायर को हम लोग लॉक कर देंगे। जब दोनों साइड का वायर रोप फिक्स हो जाएगा तब ये मोटर का दो लीवर का दबा के ब्रेक फ्री कर देंगे। उसके बाद बीच वाला जो कपलिंग है उसको घुमा घुमा के वायर रोप को टाइट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग बीच का कपलिंग को घुमा रहे हैं तब दोनों साइड में मोटर में जो फुली फिक्स है वो धीरे धीरे घूम रहा है। तो चलिए फटाफट इसको टाइट करते हैं। अभी जितना वायर रोप टाइट होना था उतना वायर रोप टाइट हो गया है। अभी नीचे जाके चेक करते हैं एक बार। ये देखिए इस साइड का वायर रोप टाइट है, ये निरजदा है हमारा, और ऑपोजिट साइड का वायर रोप लूज है। तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में फिर उसको लूज करके फिर टाइट करना पड़ेगा। उसके बाद स्किप को अप डाउन करके चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वो एडजस्टमेंट करने के बाद देखें वायर रोप बराबर है। तो इसी तरह आप आपका प्लांट का वायर रोप इजी प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं।